अनअनाउंस्ड इंस्पेक्शन, दरवाजा खोलो। अब हम क्या करेंगे? मुझे नहीं पता। जल्दी से खोलो वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। छुप जाओ जल्दी से। तुम किससे बात कर रहे थे? क्या कोई तुम्हारे कमरे में है? हाँ, यहां पर कोई नहीं है सर, पर मैंने यहां पर किसी की आवाज सुनी थी। आपको कोई गलतफहमी हुई है, यहां पर मैं अकेला हूं। क्या देख रहे हो? डार्लिंग, तुमने एक बार कहा था कि तुम एक अच्छे डांसर हो। तुम बस यहीं आसपास रहना, मैं तुम्हें बुला लूंगा जब मुझे कोई जरूरत होगी। ओके ओके। हाँ, मिडल ईस्ट। हाँ, तुम डांस करना चाहते हो? हाँ, क्यों नहीं। करते हो? मैं भी यही मानता हूँ। पर एक बात कहूँ? क्या? अपना हाथ थोड़ा नीचे करो। ठीक है, अब मेरी बारी है। किनारे हटो, किनारे हटो, किनारे हटो, किनारे हटो। I beg your pardon, sir. अभी हम डांस कर रहे हैं। मैं डांस करूं? हाँ। मैंने कहा पीछे हटो। तुम क्या कर रहे हो मार्क? ओह लकी, तुम ऐसे नहीं मानोगे। सुनो, इसे इसके कमरे में ले जाओ। अपने हाथ दूर रखो मुझसे। जैक प्लीज, तुम्हारी दोस्त ने मुझे चुना है, तुम्हें नहीं। औकात में रहो लेफ्टिनेंट लकी। जैक, पार्टी खत्म हो चुकी है, आराम से सब जाओ यहां से, जाओ। मैं सफाई शुरू करती हूँ। आराम से करना किटी, मेरी बात सुनो। पता है ना, मैं आज ही प्रमोट होकर कर्नल बना होता हूँ। मैंने कुछ प्लान्स बनाए हैं। मैं सब कुछ अच्छी तरह से करना चाहता था, लेकिन इस बेवकूफ ने खैर, हमारी शादी एक महीने बाद है। मैंने हाँ नहीं कहा है। ये मेरा ऑर्डर है, और ऑर्डर्स मानने के लिए होते हैं, समझी? जीना, तुम यहां पर क्या कर रही हो? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? मैं बस परेशान थी। कोई बात नहीं, गुड नाइट। जीना रुको, ये बात सुनने में थोड़ी सी अजीब लगेगी, पर क्या तुम नाचोस खाना चाहोगी? ये बहुत बढ़िया है,
मैंने कहा था ना तुम्हें वो मिलना चाहिए जो तुम चाहती हो। तुम यहाँ के पायलट जैसे नहीं लगते, तुम यहाँ कैसे पहुंचे? मेरे डैड एक सिविलियन एविएटर थे, उन्होंने मुझे फ्लाई करना सिखाया और छोटी उम्र से ही मुझे आसमान से मोहब्बत हो गई। अब तुम बताओ। मेरे डैड ने हमें छोड़ दिया जब मैं 6 साल की थी। ओह, मुझे इसके बारे में नहीं पता था। ओह, कोई बात नहीं, शायद इसी वजह से मैं आदमियों को नहीं समझ पाती। मैंने नहीं सोचा था कि मार्क इतना बड़ा बेवकूफ होगा। पता है जब हम छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करते हैं तभी हम अपने बारे में ढंग से सोच पाते हैं। ओ, ये मेरे डैड कहा करते थे। मैं भी ऐसा करना चाहती हूं। वो रात मेरे लिए बहुत खुशियां लेकर आई थी। जिंदगी में पहली बार मुझे ये लगा कि खुशियां पाई जा सकती हैं। काश मुझे पता होता कि इसके बाद मेरे नसीब में क्या होने वाला है। अनअनाउंस्ड इंस्पेक्शन, दरवाजा खोलो। अब हम क्या करेंगे? मुझे नहीं मालूम। जल्दी खोलो वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। जल्दी से छुप जाओ। तुम किससे बात कर रहे थे? क्या कोई तुम्हारे कमरे में है? हाँ, यहां पर कोई नहीं है सर। पर मैंने यहां पर किसी की आवाज सुनी थी। आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, मैं अकेला हूं यहां। हाँ, शायद गलत फहमी हो गई। सब कुछ ठीक है ना सर? हाँ बिल्कुल। तुम कैसे हो? तुम्हारी रिब्स ठीक है? सॉरी, शायद कल रात में कुछ ज्यादा जोश में आ गया था। कोई बात नहीं। गुड, तुम अच्छे लड़के हो, तुम इंस्पेक्शन में पास हो गए। थैंक यू सर। मैं उसे छोड़ दूंगी। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? हाँ मुझे है। आज सुबह तुम किसके साथ थी बेबी? मैं तुम्हारे कमरे में गया था पर तुम वहां नहीं थी। मैं तुम्हारी मंगेतर नहीं बनूंगी, कभी नहीं। तुमको सबक याद नहीं है? नेवर से नेवर। मेरा जवाब ना है। तुम चाहे जो भी कर लो पर मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। अब ये तो समय ही बताएगा। जैक, दरवाजा खोलो, जल्दी करो, दरवाजा खोलो। जैक, जैक, क्या तुम अंदर हो? वो यहां पे नहीं है। कहां चला गया है वो? मुझे कहीं नहीं मिल रहा। मिडिल ईस्ट के लिए नई लिस्ट आई है, वॉर चल रही है, जैक एक मिशन पे गया है। क्या कहा? कैसे, कब जा रहा है वो? बस 10 मिनट में एयरफील्ड से। तुम पहुंच सकती हो। वो पीछे के दरवाजे से जाएंगे। जैक, जैक, मत जाओ प्लीज।
कहीं मर जाओ। जीना मुझे जाना होगा, मुझे ऑर्डर्स मिले हैं। कौन देता है ऐसे बेकार ऑर्डर्स? मेरे साथ रहो ना बस। जीना आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। आई लव यू। आई लव यू टू। चलो जैक जल्दी। वादा करो तुम इसे वापस लाओगे। जीना वादा करो। वादा करता हूं। उसके बाद मैं बहुत मुश्किल में था। ऐसा लगा जैसे हमारी लव स्टोरी खत्म हो गई थी, लेकिन 10 साल बाद हम दोबारा मिले। मेरा नाम है जैक लकी और ये मेरी कहानी की बस एक शुरुआत है।